तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11वीं हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलेगा प्यारे विद्यार्थियों, बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 11वीं का हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर दोस्तों किस प्रकार का आएगा, कितने क्वेश्चन दोस्तों परीक्षाओं में यहां से आपसे पूछे जाएंगे और आप सबको दोस्तों इनकी कैसे तैयारी कर लेनी है। अगर दोस्तों आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट समय तक देख लिया तो आप ये समझिएगा कि आपको पूरा का पूरा कक्षा 11वीं का हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर दोस्तों अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। तो चलेगा प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपका कक्षा 11वीं का हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर दोस्तों किस प्रकार का आएगा, कितने क्वेश्चन दोस्तों परीक्षाओं में से यहां से आपसे पूछे जाएंगे और इन सब की तैयारी आपको किस प्रकार से कर लेनी है। तो देखिएगा दोस्तों, आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा हिंदी विषय का वो पूरी तरह से आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हो। कक्षा 11वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 हिंदी विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर जो आपका होगा दोस्तों माध्यम हिंदी, उसका दोस्तों टोटल दोस्तों आपसे 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका जो पूर्णांक होगा वो 80 अंकों का होगा। समय मिलेगा दोस्तों आपको 3 घंटे का और कुल मुद्रित पृष्ठों की संख्या होगी दोस्तों 8। आप सब लोग दोस्तों यहां से इसको पूरा जरूर देख लेंगे ताकि दोस्तों आप सभी को पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसके सभी उत्तर आपको समझ में आ सके। चलिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अब बिना किसी देरी के आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपका हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा। देखिएगा दोस्तों, आपको मैं यहीं पर बता देना चाहता हूं कि आप सब लोग दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर को पूरा लास्ट समय तक जरूर देखेंगे ताकि दोस्तों आप सबको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर और इस क्वेश्चन पेपर के सभी उत्तर दोस्तों आपको आसानी से समझ में आ सके। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समझते हैं कि कक्षा 11वीं का आपका हिंदी विषय का क्वेश्चन पेपर दोस्तों किस प्रकार का परीक्षाओं में बनकर आया है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हो, इस प्रकार का क्वेश्चन पेपर दोस्तों आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, कबीर को वाणी का डिटेक्टर किसने कहा। देखिएगा दोस्तों, फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों आपका आ जाना है, आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने कहा। उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा क्या लिखा है, आप लोग देख सकते हो यहाँ से, प्रकृति के चितेरे कवि है। देखिएगा दोस्तों, दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा, प्रकृति के चितेरे कवि है, तो यहाँ से आपको लिख लेना दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत। उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया दूसरे नंबर के क्वेश्चन के बाद में दोस्तों तीसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, तीसरे नंबर के क्वेश्चन जो दिया गया दोस्तों इसमें आपको क्या लिख लेना है, देखिएगा दोस्तों इसमें आपका आ जाएगा ब्रजभाषा, कौन सा दोस्तों ये आपको लिख लेना है। और उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखा है, यहाँ से आप लोग देख सकते हो क्या लिखा गया है दोस्तों, वे आके कविता का मूल स्वर है। देखिएगा दोस्तों, चौथे नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ से आप लोग इसको देख सकते हो, प्रगतिवादी, क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ से आपको लिख लेना है प्रगतिवादी। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन, कविता का गांधी किसे कहते हैं। देखिएगा पाँचवें नंबर का क्वेश्चन जो दिया गया है दोस्तों यहाँ से आपको लिख लेना, भवानी प्रसाद मिश्र को दोस्तों कविता का गांधी कहा जाता है। उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग देख सकते हो क्या लिखा है दोस्तों, पंत ने कविता के लिए चित्र भाषा संबंधी विचार प्रस्तुत की है। देखिएगा दोस्तों, छठे नंबर का जो क्वेश्चन लिखा गया है इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ये आ जाएगा, पल्लव। और उसी के अलावा दोस्तों आगे का क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, वे तुम्हारा मन समझकर और अपना मन समझकर घर की याद कविता। देखिएगा दोस्तों, घर की याद कविता में से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे, तो दोस्तों यहाँ से आपको इनके उत्तर तैयार कर लेने हैं। तो देखिएगा दोस्तों, ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसका राइट आंसर दोस्तों सातवें का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो देखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा दोस्तों पिता के लिए, आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। चलिएगा दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, आगे आप लोग यहाँ से इसको देख पा रहे हो, यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया दोस्तों, डॉक्टर नागेंद्र ने को पुनर्जागरण का काल कहा है। देखिएगा दोस्तों, फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है यहाँ से आपको लिख लेना, भारतेंदु युग को किसको कहा दोस्तों इन्होंने पुनर्जागरण का काल, भारतेंदु युग को कहा है, आप लोग यहाँ से इसको लिख लेंगे। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन, अंधेर नगरी की प्रसिद्ध रचना है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका आ जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। उसी के अलावा दोस्तों तीसरे नंबर का क्वेश्चन लिखा है,
शुक्ल युग को हिंदी निबंध का स्वर्णकाल कहा जाता है, तो इसमें आपको दोस्तों शुक्ल युग लिख लेना है। उसी के अलावा दोस्तों चौथे नंबर का क्वेश्चन लिखा गया है, तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे आपको लिख लेना है उपन्यास। देखिएगा जिंदगीनामा उपन्यास है, प्रसिद्ध उपन्यास है दोस्तों ये। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन, को हिंदी कथा साहित्य का शिखर पुरुष कहा जाता है। देखिएगा दोस्तों यहाँ से आपको इसमें प्रेमचंद लिख लेना है। पंडित एलोपी दीन पर अखंड विश्वास था, किस पर विश्वास था दोस्तों किसका। अगला क्वेश्चन लिखा है, मियां नसीरुद्दीन कितने किस्म की रोटियां बनाना जानते थे। सातवें नंबर का क्वेश्चन, तो देखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा 56 प्रकार की रोटी। यहाँ से दोस्तों ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, प्रेमचंद का कहानी संग्रह मानसरोवर 8 खेतों में विभक्त है। खेतों में नहीं दोस्तों, खंडों में होगा, यहाँ पे 8 खंडों में विभक्त है, ये आपका सही हो जाएगा। उसी के अलावा दोस्तों दूसरे नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है ये भी आपका सही हो जाएगा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन जो है दोस्तों ये भी आपका सही हो जाएगा। तीसरे के बाद में चौथे नंबर का क्वेश्चन भी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। और उसी के अलावा पाँचवें नंबर का क्वेश्चन जो दे रखा है दोस्तों ये भी आपका सही हो जाएगा। छठे नंबर का क्वेश्चन भी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। तो पूरा का पूरा दोस्तों आप लोग यहाँ से इसको कंप्लीट कर ले, A to Z पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर दोस्तों आपका परीक्षाओं में इसी प्रकार का बनकर आएगा, जैसा कि दोस्तों मैंने यहाँ से आपको दिखा दिया। ऐसे जोड़ी का मिलान पूछा गया है, सही जोड़ी बनाइए। तो देखिएगा दोस्तों सही जोड़ी का आपका मिलान किस प्रकार से हो जाएगा वो भी हम देख लेते हैं। टोटल दोस्तों आपसे 6 अंक की जोड़ी का मिलान पूछा जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों कृष्णा सोपती से मिल जाएगी दोस्तों, बादलों को गिरते देखा है, इसकी जोड़ी दोस्तों आपको इससे मिलान कर लेनी है। और आगे नौरंगी बीमारी दूसरे नंबर की जो लिखी है दोस्तों इसकी जोड़ी मिला लेनी है आपको शेखर जोशी से। इसी के अलावा मैं हार गई, देखिएगा दोस्तों इसकी जोड़ी मिला लेनी है आपको किससे, मन्नु भंडारी से। और उसी के अलावा दोस्तों चौथे नंबर पे लिखा है कागज़ की नाव, तो देखिएगा दोस्तों कागज़ की नाव की जोड़ी मिल जाएगी दोस्तों कृष्णचंद्र से। उसी के अलावा दोस्तों पाँचवें नंबर की जोड़ी देखिएगा यहाँ पे इसकी पाँचवें नंबर की जोड़ी आपकी इससे मिल जाएगी, धन पर धर्म की जीत। तो देखिएगा दोस्तों ये जो छठे नंबर पे दिया गया है यहाँ पर दोस्तों आपको जामुन का पेड़ नहीं नमक का दरोगा लिखा हुआ मिलेगा, आप इसकी जोड़ी इससे मिला लेना नमक का दरोगा। देखिएगा दोस्तों इसको समझ लेने के बाद में अब आगे बढ़ते हैं, और आगे दोस्तों हम एक वाक्य या एक शब्द के उत्तर को देखते हैं कि किस प्रकार से दोस्तों आप लोग एक वाक्य या एक शब्द के उत्तर कंप्लीट यहाँ से कर सकते हो। पहला क्वेश्चन दिया गया है, वंशीधर ने किससे बेर मोल ले लिया। तो देखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा पंडित एलोपी दीन से। किससे ले लिया दोस्तों, पंडित एलोपी दीन से बेर मोल ले लिया इसने, एलोपी दीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन, नमक का दरोगा कहानी के अंत में किसकी जीत हुई। तो देखिएगा दोस्तों इसका भी राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों सत्य की। किसकी जीत हुई थी दोस्तों, नमक का दरोगा कहानी के अंत में दोस्तों सत्य की जीत होती है। उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन, किसका कथन है तालीम की तालीम बड़ी चीज़ होती है। देखिएगा दोस्तों तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है इसका राइट आंसर दोस्तों आपका आ जाएगा मियां नसीरुद्दीन का कथन है ये। किसका, मियां नसीरुद्दीन का कथन है, आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन देखिएगा, किसका कथन है तालीम की तालीम बड़ी चीज़ होती है, मोहन के गुरु का क्या नाम था। देखिएगा दोस्तों मोहन के गुरु का नाम था त्रिलोकनाथ, क्या नाम था दोस्तों त्रिलोकनाथ, आप लोग यहां से लिख लेंगे नोट कर लेंगे ये इसका नाम था दोस्तों। उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखा है, स्पीति घाटी हिमालय के किस भाग में है। तो देखिएगा दोस्तों स्पीति घाटी जो है हिमालय के कौन से वाले भाग में है। तो देखिएगा दोस्तों हिमालय के प्रदेश के कौन से में जगह पर है दोस्तों, हिमाचल के मध्य में, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िले की तहसील है। तो यहाँ से आपको इस प्रकार से लिख लेना है। और उसी के अलावा दोस्तों अगला नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग यहाँ से इसको देख सकती हो क्या दिया गया है दोस्तों, आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे पूरा का पूरा। तो देखिएगा, जब नेहरू किसी जलसे में जाते थे तो उनका स्थगन कौन से नारे से होता था। तो देखिएगा दोस्तों उनका स्वागत होता था भारत माता की जय के नारे से। अगला क्वेश्चन, जामुन का पेड़ कहाँ गिर गया था। तो देखिएगा दोस्तों जामुन का पेड़ जो था सेक्रेटरिएट में गिर गया था, आप लोग यहाँ से इसको लिख लेंगे सेक्रेटरिएट के लोन में ये गिर। देखिएगा दोस्तों यहाँ तक मैंने आप सभी को पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उनके आंसर बता दिए हैं, जो कि दोस्तों आपके 32 नंबर के पेपर में पूछे जाएंगे। मगर दोस्तों आपके जो क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 23 तक के जो क्वेश्चन हैं
उन सभी के उत्तर दोस्तों मेरे द्वारा अभी तैयार किए जा रहे हैं और शाम तक दोस्तों ये आप सबको मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन दोस्तों मेरे द्वारा अपलोड मिल जाएगा। आप सभी लोग दोस्तों उस वीडियो को ज़रूर देखें जिसमें कि दोस्तों इसका पूरा सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो देखिएगा दोस्तों, इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।